दोस्तों आज एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसको कि लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, सफ़र में भी इसको ले जा सकते हैं और घर में भी आराम से 15 दिन महीने दिन इसको खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक आटा लगाएंगे। आटे में 2 कप मैंने मैदा ले लिया है और 1 कप आटा है गेहूँ का। सबको छान लेंगे अच्छे से, देखिए इस तरह से, और जो मोटा आटा बच जाएगा उसको साइड में कर देंगे। और ये 1/2 कप सूजी है, सूजी को भी मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसको भी बारीक करके पाउडर फॉर्म में बना लेंगे और इसको भी एक बार छान लेंगे इस तरह से। ये देखिए आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच अजवाइन डाल देंगे। यहाँ पे आप काली मिर्च, कसूरी मेथी जो भी डालना चाहते हैं आराम से डाल सकते हैं। और 1/4 मोयन के लिए डालेंगे 1/4 कप तेल या घी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने में भी 3 तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं। देखिए एक इस तरह से मुट्ठी बना बना के इसको इस तरह से दबा सकते हैं और एक इस तरह से हथेलियों से रगड़ रगड़ के सारा इसका जितना भी लम्स हो वो ख़त्म कर सकते हैं। और एक इस तरह से दोनों मुट्ठी को दबा दबा के इस तरह से आटा मिक्स कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से जब मुट्ठी बनने लगे तो ये समझिए आटा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है और मोयन भी परफेक्ट पड़ा है। हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसमें पानी डाल डाल के अच्छे से सॉफ्ट मुलायम डो तैयार कर लेंगे, क्योंकि सूजी है तो ज़्यादा सख्त आटा नहीं रखेंगे। आटे को फूलने का पूरा पूरा मौका देंगे और ये एकदम से सॉफ्ट मुलायम आटा तैयार कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और ये आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। हाथ में 1 चम्मच तेल लगा के एक बार इसको इस तरह से मसल लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक ये अच्छे से रेस्ट हो जाता है तब तक इसको छोड़ देंगे। देखिए 10 मिनट के बाद इसको एक बार फिर से इस तरह से मसल लेंगे आटा को, कि ये अब लोई लेंगे, इसमें से 1 लोई तोड़ लेंगे और उसको चिकना करेंगे और इसकी अब रोटी बेलते हैं। रोटी जैसा ही पतला बेल लेंगे। देखिए इस तरह से रोटी बेल के इसको चाकू से इस तरह से लंबाई में काट लेंगे और जैसा भी शेप देना हो शेप अलग तरह से भी दे सकते हैं और इस तरह से लंबाई में भी शेप दे सकते हैं। ये शेप ज़्यादा अच्छा लगता है और बिल्कुल खस्ता बनता है और ये कई दिनों तक आराम से इसको एयरटाइट जार में भर के रख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ या सफ़र में भी ले जा सकते हैं। ये आराम से महीने दिन तक चल जाएगा, 1-2 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। और कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे और 1 डाल के देख लेंगे, अच्छे से गरम हो गया है तेल तो इसमें सारा कटा हुआ डाल देंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे क्रिस्प होने तक उलट पुलट के अच्छे से तल लेंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। देखिए हमारा ये खस्ता नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको निकाल देते हैं। देखिए इस तरह से इसको निकाल देंगे किचन पेपर पे। देखिए हमारा ये नाश्ता बनके बिल्कुल रेडी है। इसको सफ़र पे ले जाइए, चाय के साथ खाइए और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए एक तोड़ के दिखा देते हैं कितना खस्ता बना है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।
जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।